आई होप यू डूइंग गुड. तो मैं अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना इवनिंग स्नैक्स रूटीन शेयर करूं. बेसिकली हर दिन इवनिंग स्नैक्स रूटीन डिफरेंट होता है, बट टुडे आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू ऑल माय रेसिपी, मैगी की रेसिपी. मैं आज इवनिंग में गाजर मटर वाली मैगी और चाय बना रही हूं और वो जल्दी से बन भी जाता है. सो यस, आइए हम बनाते हैं मैगी मटर वाली, मटर वाली मैगी. और आपको दिखाऊंगी मैं कैसे करती हूँ, मेरा इवनिंग स्नैक्स रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो गिव लाइक्स, थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. कीप ऑन वॉचिंग. तो सबसे पहले कोई भी काम चालू करने से पहले किचन का मैं हमेशा एप्रन पहनती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत जल्दी गंदी हो जाती हूँ, तो मुझे एप्रन पहनना बहुत ज़रूरी होता है. तो अब मैं सबसे पहले मैगी के लिए प्याज और आलू काटना चालू करूँगी. और गाइस, ये एक ट्रिक है, अगर आपको आलू प्याज कुछ भी ऐसा काटना है तो आप एक बाउल ले सकते हैं. उस बाउल में आप इस तरीके से जो हमारी नॉर्मल पन्नी आती है, पैकेट्स आते हैं, वो आप इस तरीके से उसमें डाल सकते हो और डायरेक्टली आप उसमें छील सकते हो. इससे आपका कचरा भी नहीं होगा और आपका जो भी छिलका है, जो भी आप स्किन पील ऑफ कर रहे हो, वो आसानी से उसके अंदर डायरेक्टली आप डाल सकते हैं. तो इस तरीके से मैं प्याज को पहले उसका जो छिलका है वो बाहर निकाल रही हूँ. उसके बाद छिलकों को अच्छे से निकालने के बाद मैं वॉश करूँगी उनको और फिर उनको कट करूँगी. और जो कट करूँगी वो मैं बारीक करूँगी. तो इस तरीके से छिलका निकाल रही हूँ. तो ये पैकेट रखने से ना काम बहुत इजी हो जाता है, ना ही आपको कोई बड़ा न्यूज़पेपर बिछाने की झंझट, ना ही कुछ, आप डायरेक्टली उसमें छील के रख सकते हो. और ये देखिए जिस तरीके से मैं आलू भी पील कर रही हूँ, आलू भी मैं आसानी से डायरेक्टली उसी में पील कर रही हूँ, तो कोई भी ऐसी परेशानी नहीं होती है. अब आलू को मैं अच्छी तरीके से कट करूंगी. पहले मैं प्याज को बारीक कट कर रही हूँ. मुझे मैगी में बारीक प्याज ही अच्छा लगता है. मोटा कटा हुआ प्याज मेरे मुंह में अगर मैगी खाते वक्त आ जाता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. मैंने छोटे छोटे टोटल 3 प्याज लिए हैं. आलू को भी मैं लगभग बारीक ही कट करूंगी, ज्यादा मोटे नहीं, क्योंकि नहीं तो वो पकने में प्रॉब्लम देते हैं, जल्दी नहीं पकते हैं. और मिर्चियों को मैं हमेशा सीजर से काटती हूँ, क्योंकि उनका जो तीखापन है वो मेरे उंगलियों में लग जाता है. तो मैं ये थोड़ी स्लैंट वे में कट कर रही हूँ. अब मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने ऑयल डाला, थोड़ा सा हींग, जीरा, प्याज, हरी मिर्च और अब मैं आलू डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ. मैंने जो क्लिप था मेरा वो थोड़ा डिलीट हो गया मेरे से, तो वो पैन वाला नहीं देख पाए, बट मैंने बस पैन लिया, उसमें ऑयल डाला, जीरा डाला, हरी मिर्च डाला, प्याज डाला, आलू डाला और अब मैं थोड़ी सी इसमें हल्दी डाल रही हूँ और थोड़ा सा नमक डाल के मैं इसे पकने दूंगी. आपको ध्यान रखना है कि आपको नमक ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ऑलरेडी मैगी में नमक होता है, तो सब्जियों के हिसाब से आपको नमक डालना है. और अब इसमें मैंने बारीक कटी हुई गाजर डाल ली है, मुझे गाजर वाली मैगी बहुत पसंद है. और मैंने जो मटर है उसे डिफ्रॉस्ट कर लिया था, तो मैं हमेशा फ्रोजन मटर यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं साल का पूरा मटर हमेशा एक साथ ठंडियों में बना के रख लेती हूँ, तो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं होती है. और जब भी मुझे मटर यूज़ करना हो तो मैं उसे डिफ्रॉस्ट करके यूज़ कर लेती हूँ. तो ये मेरे मटर मैं इसमें डाल रही हूँ और मटर को मैं अच्छे से उसमें डाल के पूरे तरीके से मिक्स करके उसको कवर कर दूंगी एक लिड से, सो दैट वो अच्छे से पक जाए. गाजर और बेसिकली मेजरली आलू पक जाए, वो ज़्यादा ज़रूरी है. और अब एक साइड में मैं चाय रखूँगी, क्योंकि चाय मुझे बहुत पसंद है, चाय मुझे पीना बहुत पसंद है. तो मैं 3 कप बना रही हूँ
टोटल सबके लिए। तो मैं इसमें ये मेरा चाय पत्ती और कॉफ़ी और शक्कर रखने का बॉक्स है, तो मैं लगभग 3 अगर कप है तो 3 चम्मच चाय पत्ती और 3 या 3.5 चम्मच शक्कर डालती हूँ। मुझे अदरक की चाय पीना बहुत पसंद है, तो मैं इसमें थोड़ा सा अदरक डालूंगी। अभी मैंने 2 कप दूध लिया है, तो मैं 1 कप इसमें पानी डाल रही हूँ। और अब मैं थोड़ा सा अदरक लूंगी और उसको कूटूंगी साइड बाई साइड। हमको हमारा मैगी का भी ध्यान रखना है, तो मैं मैगी को, मसाले को, जो भी मैंने सब्जियां डाली हैं उनको अच्छे से चला दे रही हूँ। अब ये अदरक है, ये अदरक को मैं खलबत्ते में, ये छोटा सा क्यूट सा खलबत्ता है, उसमें कूट के डालूंगी मैं अदरक को। अदरक की चाय मुझे पीना बहुत पसंद है गाइस, आई लव जिंजर टी। इनफैक्ट अदरक के बिना मैं चाय पी भी नहीं सकती हूँ। जो आप देख रहे हैं ये है मैगी मसाला। ये 5-5 रुपए के मैजिक मसाला पैकेट मिलते हैं, जो कि बहुत टेस्टी होते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको लगभग 1/2 टीस्पून इसके अंदर डालना है। और इसे मैंने अब कवर कर दिया है सो दैट ये अच्छे से मिक्स हो जाए, पकते रहे। ये मसाला मैंने घर पे बनाया है, ये बेसिकली चाय मसाला है और ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे मेटाबॉलिक रेट काफ़ी हाई हो जाता है। एंड हमेशा जब भी मैं चाय बनाती हूँ तो उसमें मैं 1 पिंच ज़रूर डालती हूँ। अब हम, जब तक हमारी चाय और मैगी का मसाला पक रहा है, तब तक हम मैगी बाहर निकाल लेते हैं जो हमको डालनी है, और उसका छोटा पैकेट मसाले का भी निकाल लेते हैं। तो मैं बना रही हूँ टोटल 2 लोगों के लिए मैगी, तो उसमें मैं थोड़ा सा वन और उसमें थोड़ा सा 1/4 पीस मिलाऊंगी, और बाकी को जो मैगी जो बची है उसे मैं अच्छे से फोल्ड करके एक क्लिप लगा के फ्रीज़र में रख दूंगी। मैं हमेशा मैगी और ये जो भी चीज़ें हम ओपन करते हैं वो फ्रीज़र में रख देती हूँ, सो दैट वो ख़राब ना हो। जो मैगी मसाला है उसे मैं मैगी के अंदर डालूंगी, जो हमें प्रॉपर मैगी के अंदर जो मसाला मिलता है वो। मेरी साथ ही साथ सामान रखने की भी आदत है, मैं पसारा बिल्कुल नहीं देख सकती, तो मैं जो भी चाकू है और जो भी चीज़ें, सीजर है, जो भी बाहर है, वो मैं वापस अंदर डाल देती हूँ। और ये है मेरा मसाले का डब्बा, तो इसी भी मैं अपनी वापस जगह पे रख दूंगी। और हम देखते हैं मैगी का हाल, और चाय भी लगभग बन गई है, उबल रही है अच्छे से। और अब पैन खोल के मैं देखती हूँ कि हमारी सब्जियाँ अच्छे से पकी है या नहीं है। लगभग पक गई है, अब इसमें हम मैगी मसाला पूरा डाल देंगे। अब इसे मिक्स करके इसमें मैं पानी डाल दूंगी। पानी आप हिसाब से डालिए सो दैट आपका मैगी पक जाए। मुझे ज़्यादा गली हुई मैगी पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और उसे मिक्स करके मैं मैगी इसके अंदर डाल दूंगी। मैं मैगी थोड़ा क्रश करके डालना पसंद करती हूँ वैसे तो। अब पहले हम हमारी चाय छान लेते हैं, क्योंकि चाय पूरी तरीके से बन चुकी है, तो मैं अब चाय छान लूंगी। तो ये बढ़िया गर्मा गर्म चाय बन चुकी है मेरी। मुझे चाय पीना बहुत पसंद है, मतलब मैं चाय पीती हूँ, बट मैं बेसिकली मेजरली हमेशा गुड़ वाली पीती हूँ। अगर मैं अकेले के लिए बना रही हूँ तो गुड़ वाली पीती हूँ, अदरवाइज सबके साथ बन रही है मेरी तो मैं शक्कर वाली पी लेती हूँ। तो दैट्स द थिंग। जो भी नाइफ है और जो भी सनसी है, जो भी चीज़ें हैं, वो मैं वॉश करके तुरंत के तुरंत ही रख देती हूँ, सो दैट वो साफ सुथरा रहे और कचरा ना हो ज्यादा किचन में। अब मैगी
ऑलमोस्ट तैयार हो रही है, तो मैं प्लेटिंग करने की तैयारी कर रही हूँ उसको। प्लेट निकाल दिया मैंने, अब मैं मैगी को क्रश करके उसमें डाल रही हूँ। क्रश करके मैगी करके खाने में अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा क्रश करती हूँ। और क्रश करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आपको लग रहा होगा कि पानी अभी फ़िलहाल कम है, बट मुझे ज़्यादा गली हुई मैगी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं कम पानी डाल के उसे अच्छी तरीके से पकने देती हूँ। और ये वैसे भी कम पानी में पक जाती है, आपको बहुत सारा पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं सारे वेजिटेबल्स इसमें मैगी में मिक्स करके इसे लिड से कवर करके रख दूंगी, और ये जल्दी से जल्दी फिर बन जाएगा। आप इस तरीके से मैगी जरूर बना के देखिएगा गाइस, आपको बहुत टेस्टी लगेगी। अब देखते हैं कि मैगी का हाल क्या है। तो मैगी ऑलमोस्ट अब बन चुकी है। मैं मैगी जनरली बहुत नहीं खाती हूँ, बट महीने में एक बार तो मैं खा ही लेती हूँ। उसमें भी मैं बहुत सारा वेजिटेबल डालती हूँ, और मैं बहुत कम खाती हूँ वैसे भी। कुछ कोई भी चीज़ हो मैं 1 या 2 स्पून ही खाती हूँ, तो ज़्यादा मेरे पेट में कुछ ऐसा जाता है नहीं जो मुझे हार्मफुल हो या मेरा वेट गेन कर पाए। तो ये रेडी हो चुकी है मेरी मैगी, और मैं ये थोड़ा सा मैगी खाऊंगी, ज़्यादा मैगी नहीं खाऊंगी मैं, बस थोड़ा सा ही बहुत होता है मेरे लिए। और इसमें मैं बहुत थोड़ा सा वेजिटेबल्स भी डाल ले रही हूँ साइड में, तो मैं बस इतना ही मैगी खाने वाली हूँ गाइस। और अब ये बन चुका है, मैं बाकी इसको ढक के रख देती हूँ सो दैट बाकी लोग खा सके इसे। और अब जो भी सामान था पोटे के ऊपर उसे मैं क्लीन करना स्टार्ट कर दूंगी, लाइक ये छोटी सी प्लेट थी, और जो बाकी जो भी सामान है पोटे के ऊपर उसे मैं क्लियर आउट कर दूंगी, जैसे जग अपनी जगह पे रख दिया। और ये देखिए ये जो कचरा है ये कितने इजीली बिना हाथ खराब किए ये कचरा हम उठा सकते हैं, तो ये इस तरीके से पैकेट आप फेंक सकते हो। सो आई एम गोइंग टू ईट दिस मैगी, बहुत जोर से भूख लग चुकी थी। तो मैगी काफी टेस्टी बनी थी गाइस, सीरियसली आप इस तरीके से बना के देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और जो मेरी चाय थी वो भी बहुत अच्छी बनी थी, और मुझे अदरक वाली चाय पीना बहुत पसंद है गाइस। इस तरीके से सीरियसली आप मैगी बना के देखिए, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी लगेगी, और ये बहुत कम ऑयल में बनी है और बहुत टेस्टी भी। तो गाइस आपको आई होप मेरे ये किचन रूटीन्स पसंद आ रहे होंगे। अगर आप और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत सारा लाइक दीजिएगा, और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई विल एन्जॉय दिस एंड आई विल सी यू माई नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज।